अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं इफ्तिखार अली, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इसागर। तो दोस्तों, आज मैं आपको पतली 075 मोटर का, जो सबमर्सिबल पंप मोटर होती है, उसका मुकम्मल फिटिंग का तरीका बताऊंगा कि उसमें क्या चीज़ लगती है और क्या क्या उसमें करती है। तो आए, इसको हमने पहले प्रेस किया, देखें वेल्डिंग हमने कर ली है, तो हमने प्रेस भी कर लिया है, ठीक है, प्रेस हमने कर ली है। अब हम उल्टी साइड से इसको पहले फिट करेंगे। पहले हमने क्या करना है, ये बूट ले लेना है और बूट को पहले साफ कर लेना है। इसकी जो कचरा है, मट्टी है, वो हमने इसकी उतार लेनी है कपड़े से। दोस्तों, ये सही साफ करके आपने इसके अंदर लगा देना है। अंदर से भी साफ करना है कि कचरा वगैरह ना हो, कि जो ऑयल है वो गंदा ना हो। उसके बाद आपने ये कटोरी लगा दी हुई है इसको। कटोरी लगने के बाद आपने क्या करना है, ये लॉक होता है, ये लॉक आपने लाजमी इसको फंसाना है कि ये आपका लॉक जो है, ये इसको कटोरी को बाहर नहीं निकले देता। तो ये प्लास की मदद से आपने एक साइड से इसको वो बिठाना है, तो दूसरी साइड से ये खुद ही बैठ जाएगा। देखिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक साइड क्लियर हो गई है। अब हमने क्या करना है, दूसरी साइड पे आ जाना है। दूसरी साइड पे आपने आ जाना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका ये रोटर जो है, इसको साफ करके इसको आपने चेक कर लेना है, इसके बैरंग और इसका जो है रोटर के अंदर ऊपर को कचरा शचरा तो नहीं लगा। तो बैरंग अगर ठीक है तो उसको आपने डाल देना है। तो बैरंग हमारा दोस्तों एक खराब है, इसको हम उतार लेते हैं। ये दूसरा बैरंग आपने ले लेना है, दूसरा बैरंग इसके अंदर डाल देना है इसको, ठीक है। दोस्तों, दूसरा बैरंग लग चुका है, अब हम इसके अंदर रोटर डालेंगे इसको। दोस्तों, हमने के मुताबिक इसको जो है पूरा बैठा देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अभी हमने कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन है, आपको बताता हूँ कि कनेक्शन कौन कौन से इसके अंदर कलर होते हैं। इसके अंदर कलर जो होते हैं, ये ब्लू होता है, ब्राउन होता है और ब्लैक होता है। तीन तारें होती हैं इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर स्लिपें डाल देनी है। दो इसके अंदर स्लिपे हैं और एक जो सी हमने डाल दी है, ठीक हो गया दोस्तों। अब हमने क्या करना है कि ये जो दो दो, दो तारे हैं, इसके अंदर चार तारे होती है। इसकी कॉमन हमने अंदर से ही निकाल के बना ली है। दो स्टार्टिंग की होती है तारे और दो रनिंग की होती है। अब हमने क्या करना है कि जो कॉमन होगी वो हमने ब्लैक के साथ लगा दी है। ग्लास की मदद से आपने इसको टाइट करके इसको आपने लगा देना है। और आपने दूसरी क्या करनी है, आपने जो मोटी रनिंग की तार होगी वो आपने नीली के साथ लगा देनी है। जो लास्ट स्टार्टिंग की तार बचेगी वो आपने ब्राउन के साथ जोड़ देनी है। दोस्तों, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको धागे से इसको हल्का सा इसको हमने बांध दे रहे हैं कि तारे इससे इधर उधर ना हो जब हम उसको बैठाएं। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी कटोरी होती है नीचे, ये वाशल होती है, इसके ऊपर बैरंग के ऊपर हमने डाल देनी है इसको। उसके बाद हमने ये लगाना है स्प्रिंग इसके ऊपर। तो ये देखिए, हमने ये सील ले लिया है। इसकी शॉपर के ऊपर हमने हल्का सा ग्रीस लगा लेनी है कि ये ज्यादा स्लिप ना हो। ज़्यादा टाइट होगी तो ये जो है मसला करेगी। अब
अभी हमने लम्बा लगा दिया, अब हम इसके अंदर जाते हैं, ऑयल डालते हैं इसके अंदर। अब मैं आपको बता दूं कि आयल कितना इसके अंदर डालना है आपने, ये बैरंग के निचले हिस्से तक अगर आपने बैरंग इसको डालना है, तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ये देखिए चीनी पहले से ही लगी हुई है, तो ये चीनी हमने दूसरी नहीं लगानी क्योंकि इसके अंदर दूसरी कटोरी थोड़ी सी बड़ी लगती है, तो अब हमने इसको फिटिंग कर देना है। ये देखें इसको तारों को आपने बैरंग के साइड पर रखना है कि ये बॉडी की बिल्कुल साथ ना टकराए और बैरंग के साथ भी ना टकराए, कि आप ठोकते हुए आप ऊपर से प्रेस करते हुए ये नीचे टकराए और टूट ना जाए। तो अब हम इसको पूरा बंद करते हैं सर्ट लगा कर, दोस्तों मुकम्मल हो गई जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोटर। अब हमने क्या करना है, इसको पहले हमने इसकी सीरीज चेक कर लेनी है कि ये जो हमने ऊपर बैठाया है या फिटिंग की है वो तारे आपस में शॉर्ट तो नहीं है या वाइंडिंग की शॉर्ट तो हो गई नहीं कि बॉडी के साथ टकरा तो नहीं गई। अब हमने पहले सीरीज इसको लगा लेनी है, लीडें बो रही है दोस्तों। अब हमने इसकी शॉर्ट चेक कर लेनी है, देखिए मोटर अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट नहीं है। अब हम इसको ड्रैग लगाते हैं, कपैसिटर लगा के इसको लगाएंगे। एक हमने लगानी है ब्राउन के साथ और एक ब्लू के साथ, ब्लैक हमारी बची है, अब हमने ब्लैक के साथ लगानी है ट्रैक का। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी देखें मोटर बिल्कुल जबरदस्त चल रही है, ठीक हो गया दोस्तों। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोटर चल चुकी है, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये कोके जो से ये आपने लगा देने हैं, तो उसके बाद हमारी मोटर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इफ्तिखार अली को इजाज़त दीजिए, वाले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।